जो घर का अपने विकास नहीं कर पाया वो देश का क्या विकास करेगा? वो लोग मर गए जो बच्चों की शादी ब्याह के लिए खड़े हुए थे लाइन में। अरे कोई अटैक से कोई बड़ा आदमी मरा, किसके पास लाखों करोड़ों रुपया रखा हो और उसका रुपया नहीं चला हो, वो कोई मरा? या इन्होंने कोई नकली नोट पकड़ के दिखाया? कोई भी दिखाया, नोट देने का फायदा आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कौन सा आतंकवाद खत्म हुआ? गाय आपकी रोडों पर चल रही है, आदमी बस का ठप 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 करके चलता है, गाय रोड पर से नहीं हटती है। आप गुजरात में जाके देखो, लाइन से गाय मरी पड़ी हुई है। जरूरतमंद आदमी अपने जरूरत की चीज नहीं खरीद सकता, अपने बच्चों के लिए नहीं खरीद सकता, ये महंगाई है। महंगाई वो नहीं है जो मॉलों में दिखाई देती है, रोडों पे दिखाई देती है। महंगाई वो है जो जमीन से चलता हुआ जुड़ा हुआ आदमी जब खरीदने जाता है, जब वो रोता है तो उसकी महंगाई दिखाई देती है। आप मत हंसो उस महंगाई पर, आप मत हंसो उस महंगाई पर जो उनके आंसू निकाल देती है। सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जो है एक साथ रह रहे हैं, कोई खतरा में हिंदू में नहीं है। ये सिर्फ जो है बीजेपी अपने हिसाब से मुद्दा बना लेती है। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी जी, बीजेपी तो मंदिर बना रही है। मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। मंदिर बनना जो है, खुश नहीं मंदिर बनना? बिल्कुल खुश हैं हम, और देश के सारे नागरिक खुश हैं, कोई दंगा नहीं हुआ। मंदिर बन रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर पाएगी? जी बिल्कुल, महंगाई बहुत चरम पे है, महंगाई बहुत चरम पर है। अच्छा, हाँ जी, महंगाई है जी, बिल्कुल महंगाई है। वो कौन लोग हैं जो बोलते महंगाई तो है ही नहीं? वो कॉर्पोरेट के लोग हैं जो बोलते जी। नहीं, गरीब जनता बोलते महंगाई नहीं है, विकास नहीं, नहीं, मैं गरीब जनता त्राय त्राय कर रही है महंगाई से जो है, और इस बार इलेक्शन में पता चल जाएगा। देश का विकास हो रहा है, जो घर का अपने विकास नहीं कर पाया वो देश का क्या विकास करेगा? आप बताइए, मतलब घर का कौन नहीं कर पाया? आप बताइए ना, कौन नहीं कर पाया घर का विकास? मैंने ये आप अभी बताइए किस मुद्दे पे कि मतलब विकास हो रहा है। मैं उस मुद्दे पे बताता हूँ, जो परिवार नहीं चला पाया, जो घर का विकास नहीं कर पाया, विकास हो रहा है। चलिए बात करें जी, बताइए। त्याग और समर्पण की जिंदगी जी रहे मोदी जी। कौन कह रहा है आप लोगों के लिए? आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, आप क्या चीज का विकास हुआ? बजट किसका है? पैसे किसका है? पैसे किसका है? बजट किसका है? कमाई किसकी है? किसकी है? सरकार की है कमाई, इसकी कांग्रेस पार्टी की। जो बजट था, जो बचाया हुआ धन राशि था ना, वो इनका था। इन्होंने क्या किया है? बर्बाद किया है देश को, और क्या किया है? देश को बर्बाद कर दिया। और क्या किया है? देश तो विकास कर रहा है, जो घर का विकास नहीं कर पाया वो देश का क्या विकास करेगा? भारत का नाम डंका बज रहा है। कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री बाप बने ना, ये तो गोदी मीडिया वाले कह रहे हैं कि विदेशों में नाम है, वो तो सबको पता लगता है ना, जिसका वहाँ हिसाब किताब है वो सबको पता है कि कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। इतना चाइना टाइट कर दिया सब कुछ, क्या टाइट है? क्या टाइट है? चाइना टाइट कर दिया पाकिस्तान का, ये ढीला था पाकिस्तान। ये कांग्रेस की देन थी जो कलवार घाटी वहाँ पे थी, और आप इनकी देन है जो कहाँ आ गई? मैडम, अगर आप लोग कहते हैं कि मोदी जी ने त्याग किया, उन्होंने था क्या? झोपड़े में रहते थे, चाय बेचते थे, क्या त्याग किया उन्होंने? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने विकास किया? आप लोग खुद मीडिया वाले हैं, आप बता दिए उन्होंने क्या विकास किया? आप बोले साहब उन्होंने ये विकास किया, फिर आपको सब ये विकास उनका नहीं है कि बिल्कुल किसी भी कीमत पर। वो कहते हैं 70 साल में जो नहीं हुआ हमने करके दिखा दिया, उन्होंने देश का बेड़ा गर करके दिखा दिया, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करा। आपको महसूस होता है हवाई जहाज हमारे पास पहले भी था, हमारे पास कार पहले भी थी, हमारे ट्रेन पहले भी थी, कोई सी एक नई चीज लेके आए तो बोला बेरोजगारी उन्होंने जोड़ दी है। 30,000 फैक्ट्रियां बंद हुई है नोएडा के अंदर, और 30,000 फैक्ट्रियां, एक आदमी भी काम करता है फैक्ट्री, मतलब होता है इसका कम से 250 आदमी काम करते हो, और फैक्ट्री में एक आदमी काम करता है तो 30 आदमी बेकार हो चुका है, उनकी मीडिया ने नहीं दिखलाया। दूसरे तीसरे दिन ही जब लॉकडाउन लगा था तो एक लड़के इंटरव्यू आया था बम्बई से, क्यों जो मैं एक्स्ट्रा आर्टिस्ट हूँ, रोज जाती हूँ और रोज क्या कमा के लाती तो मेरा घर चूला जाता है। वो तीसरे रो रही थी तीसरे दिन, और इन्होंने 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने 2 साल का लॉकडाउन लगाया, उन लोगों का भी नहीं दिखाया इन लोगों ने। मैं एक जवान में एक सांस में बोलूंगा क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन इन लोगों की बातों को सुनकर के तो आप लोगों से मुंह से सुनता हूं मैं कि विकास विकास विकास। आप बताइए आपने क्या विकास देखा उनका? हमारे घर के हमारा अपना कारखाना बंद हो गया, हमारे कारीगरों के काम धंधे नहीं रहे बिल्कुल भी, उनके पास रोजी रोजगार नहीं रहा बिल्कुल भी। आप क्या विकास करा विकास करा विकास करा, आप बतला दो साहब उन्होंने ये विकास किया है? 5 किलो गेहूँ वो देते हैं फ्री में, 5 किलो गेहूँ, उसके बाद में उन्होंने क्या क्या लिया, क्या क्या लिया? गेहूँ उन्होंने क्या नाम है तेल उन्होंने 150 रुपये किलो कर दिया, पेट्रोल 100 रुपये लीटर कर दिया, और दूसरी चीज़ें
आप बताइएगा पैसा कहाँ जाएगा, देश के लिए तो काम आएगा। नहीं सर पैसा पहले तो काट पीट दिया उन्होंने, लक्ष्मी जी का नहीं नहीं कौन सा देश की जनता का, लक्ष्मी नहीं नहीं लक्ष्मी जी का अपमान कर दिया उन्होंने, पुराने नोट सारे उन्होंने बंद कर दिए और एक एक करके नोट बंद कर दो सौ बंद कर दिए थे। क्या उन्होंने कोई एक नोट नकली मिला नोटबंदी में, क्या उन्हें एक नोट नकली मिला, क्या किसी पास उनके पास अवैध संपत्ति मिली? बल्कि बेचारे जो लोग थे जो मरने वाले भी थे वो लोग मर गए, जो बच्चों की शादी ब्याह के लिए खड़े हुए थे लाइन में, अरे कोई अटैक से कोई बड़ा आदमी मरा, किसके पास लाखों करोड़ रुपया रखा और उसका रुपया नहीं चला हो वो कोई मरा, या इन्होंने कोई नकली नोट पकड़े दिखाया कोई भी दिखाया, नोट देने से फायदा आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कौन सा आतंकवाद खत्म हुआ? मैडम आप लोग ही बता दिए मोदी ने ये विकास किया, हम आपकी बात को मान लेंगे, आप हमसे पूछो साहब उन्होंने क्या विकास किया? नहीं नहीं पाकिस्तान घुस को तो हमने पहले बहुत पहले मार दिया, नहीं नहीं मुसलमान तो टाइट पहले से ही था, मुसलमान भी हिंदू सब टाइट थे, बिल्कुल सब टाइट थे, सब आपस में रहते मिलजुल के, नहीं 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 ना 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 मुसलमान एक मिनट चुप रहा, बिल्कुल मुसलमान कौन सा टाइट कर दिया, मुसलमान को ज्यादा अच्छा कर दिया उन्होंने, उधर ढीला कर दिया उन्होंने, गाय आपकी रोडों पर चल रही है, आदमी बस का ठप 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 करके चलता है, गाय रोडों पर से नहीं हटती है, आप गुजरात मिला के देखो लाइन से गाय मरी पड़ी हुई है, आप उनको अब मैं तो कहता हूँ बल्कि गाय को और वो पालना चाहते हैं, गाय को घर पहुँचाना चाहते हैं तो वो लिखें कि गाय हर घर एक गाय और उसको कोई तकलीफ ना आए, बस सैकड़ों गाय मर जाती हैं उनके क्या नाम है उसके अंदर जैसे गौशाला के अंदर, ये क्या करते हैं, किसको टाइट कर दिया? आप खुद बता दें कौन सा टाइट हुआ है, मैं खुद मुसलमान हूँ रियाज अहमद, मैं कोई टाइट नहीं हुआ, नंबर टाइट होना है, नंबर टू की टाइट कर पाएगा, क्योंकि मैं अपने आप पे गलत नहीं हूँ, मैं पहले भी टाइट था, आज भी टाइट हूँ, कल भी टाइट हूँ। क्या कहेंगे ऐतिहासिक दिन है आज कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक दिन है, लोकतांत्रिक तरीके से जो अध्यक्ष चुना गया था हमारा 18 तारीख 19 तारीख को, आज उन्होंने अपना शपथ ग्रहण समारोह में जो चार संभाला है, आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो कार्य करेंगे। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि ये रबर स्टैंप है और कुछ नहीं है, बीजेपी के खुद जितने भी अध्यक्ष बने वो सारे रबर स्टैंप है। अच्छा। बीजेपी अलोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, 1947 से पहले भी कांग्रेस थी और 1947 के बाद भी कांग्रेस है, 70 साल पहले भी कांग्रेस जनता की आवाज लेके हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए सड़कों पे झंडा लेकर निकली थी, और आज भी जनता की आवाज उठाने के लिए एक ही पार्टी हिंदुस्तान में रोड पर निकलती है झंडा उठा के, वो है कांग्रेस पार्टी। आज गरीब आदमी को जिस तरीके से दबाया गया है, जिस तरीके से जीएसटी हर खाने पर लगाया गया है, जो हम खाते हैं वो मिट्टी हो जाता है दूसरे दिन, उस चीज पर जीएसटी लगाने का क्या मतलब है? क्योंकि हमारी जीभ से जो अंदर जाता है खाना, उस खाने के अगर ऊपर जीएसटी लगाई गई तो ये तो हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं हुआ ऐसा जुल्म, जनता के ऊपर, माँ के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर कोई रहम नहीं है, जो दूध पीता बच्चा अपनी माँ की कोख से दूध पीता है, अगर वो थोड़े दिन में जब उसकी माँ बीमार हो जाए या कुछ हो जाता है तो बाहर से वो दूध खरीद के लाती है, उस पर भी GST है, 6 महीने का बच्चा अगर GST का दूध पिएगा तो वो हिंदुस्तान का कहाँ तक मजबूत नागरिक बनेगा? तो अच्छी ये तो देश के काम ही आएगा ना पैसा, टैक्स देने तो कहाँ जाएगा, देश के तो काम आएगा ना टैक्स। टैक्स से पहले हिंदुस्तान में विकास भी हो रहा था और जनता को नौकरियां देकर सरकार उस टैक्स के पैसे को वापस जनता के बीच में देती थी, और इससे विकास जनता के अंदर कोई महंगाई की मार नहीं होती, सब खुशहाल रूप से अपने परिवार को चलाते थे। लेकिन आज लाखों करोड़ों खुद आकर अपने टीवी चैनल पर बोलते हैं, वित्त मंत्री भी, कि लाखों करोड़ों रुपए का GST जब उनके पास इकट्ठा होता है तो वो हिंदुस्तान में विकास कर रहे हैं। अरे विकास कर रहे हैं लेकिन जनता के पास वो पैसा कैसे आएगा, जब जो विकास का काम आप कर रहे हैं वो तो सिर्फ ठेकेदारों के पास जाता है विकास का पैसा, जनता के पास कहाँ आया पैसा, उस गरीब जनता के पास पैसा पहुंचाने का जरिया क्या है आपका? कोई जरिया नहीं है। अगर उस गरीब जनता के पास आपका पहुंचाने का जरिया एक ही था, कांग्रेस करोड़ों रोजगार देती थी और करोड़ों नौकरियां सरकारी, करोड़ों सरकारी नौकरियां कांग्रेस के समय में मिली, और उसके बाद भी जब 80-60 साल के ऊपर 70 साल 80 साल तक जो व्यक्ति जीवित रहता था उसको पेंशन दी जाती थी, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता था लेकिन वो अपने परिवार के ऊपर खर्च करता था, वो पैसा जनता के बीच में घूमता था। सरकार का पैसा जनता से लेकर ठेकेदारों को देने का नहीं है, सरकार का काम विकास के साथ साथ जो उद्योगपतियों से पैसा टैक्स के रूप में लिया गया या जनता से लिया गया है उसको वापस जनता के बीच में कैसे भेजा जाए,
उनको नौकरियां देकर, उनको रोजगार देकर, ये सरकार का काम है, ये काम नहीं है सरकार का कि उनका इकट्ठा करो और उद्योगपतियों को लुटा दो। इससे जनता के बीच में अव्यवस्था फैल गई है। आज आप देख रहे हैं ना, आप सब चैनल वाले खड़े हैं यहाँ अपने अपने चैनल को लेके, लेकिन अब जब आप किसी ओला या कैब में आते हैं तो आपको महंगाई का पता चल जाता है, पेट्रोल के हिसाब से किस तरीके से आपके किराए बढ़ते हैं। जब आप की गृहिणी मार्केट में जाती है तो खून के आंसू रोती है, जब वो पूछती है कि मैं जो सामान अपने बच्चों के लेने गई वो सामान मेरा वापस नहीं मिला, मैं अपने बच्चे को वो सामान नहीं दिला पाई इस महंगाई की वजह से। आज देश रो रहा है, आपको दिखाई देता है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये बड़े बड़े लोग, लेकिन आपको जमीन का आदमी नहीं दिखाई देता, वो मध्यवर्गीय परिवार दिखाई नहीं देता, जिनकी माएं बहनें जब बाजारों में जाती अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए कुछ खरीदने के लिए, जब उनकी जेब से पैसा निकलता है तो वो रोती हैं कि हम वो चीज़ नहीं खरीद पाते जो हमें ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत, जो दैनिक ज़रूरत है। ये क्या हुआ, बड़े बड़े मॉलों में जाकर लोग अपने शौक की चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन एक ज़रूरतमंद आदमी अपने ज़रूरत की चीज़ नहीं खरीद सकता, अपने बच्चों के लिए नहीं खरीद सकता। ये महंगाई है, महंगाई वो नहीं है जो मॉलों में दिखाई देती है, रोडों पे दिखाई देती है, महंगाई वो है जो जमीन से चलता हुआ जुड़ा हुआ आदमी जब खरीदने जाता है, जब वो रोता है तो उसकी महंगाई दिखाई देती है। आप मत हंसो उस महंगाई पर, आप मत हंसो उस महंगाई पर जो उनके आंसू निकाल देती है। बीजेपी के सांसद तो संसद में कहते हैं कि 80 करोड़ वो जब उनको अपने आसपास संसद के आसपास अगर वो कॉलोनिया वो जनता को बैठा के एक बार संसद में बुला के पूछ लिया जाए कि आपको क्या तकलीफ है, वो बताएंगे कि संसद में असली आवाज कैसे निकल के आती है। जिन्होंने गरीबी देखी नहीं, जो गरीब के पास जाता नहीं, सिर्फ वोटों से ईवीएम से अपने बटन दबवा के अपने एमपी बन जाते हैं, लेकिन उनके बीच में जाके कोई आवाज नहीं उठाता, तो इसलिए संसद में कैसे आवाज जाएगी उस गरीब आदमी। ज्यादा गरीबी किसने देखा होगा, वो रो दिए थे कैमरे के सामने कि मेरी माँ दूसरे के घर में बर्तन झाड़ू करती थी, बर्तन पोछा करती थी, ये बात उन्होंने एक्सेप्ट किया, चाय बेचा करते थे वो, उससे ज्यादा गरीबी किसने देखा है। आज उन चाय वालों की तरफ देख रहा कोई, आज उन लोगों की तरफ देख रहा कोई, एक माँ का नाम लेकर पूरे हिंदुस्तान को लूटने का क्या मतलब बना रखा है। हर एक के घर में एक बूढ़ी माँ है, वो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं खरीद पाता, आज उसकी माँ को क्या कमी है बताओ, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, अपने आप को एक चाय वाला बताता है, लेकिन चाय वाले से ज्यादा ऊपर सोच उसकी आज भी नहीं हुई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन हिंदुस्तान की उस माँ को भूल गया जो हर एक घर में बैठी हुई है। बताओ, अपनी माँ को याद करके सबसे वोट ले लेता है, लेकिन उन माओं के पास तो जाओ जो आज परेशान है, जो अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद नहीं पाती, बीमारी में भी आप अपने घर तड़प तड़प कर मर जाती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।